आपकी स्क्रीन के सामने बोर्ड का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, कहता क्या है, अगर sec थीटा माइनस का tan थीटा अगर m के बराबर होता है तो आप बताइएगा, अगर इसी में हम प्लस कर दे तो आंसर क्या। तो आप एक चीज समझिएगा, इन दोनों चीज में डिफरेंस किस चीज का है, प्लस और माइनस का है ना। तो काम करते हैं, अगर a माइनस बी और a प्लस बी, ध्यान दीजिएगा ये हमारा कुछ फॉर्मेट बन रहा है, अगर हम इसमें ऊपर वाले को हम a माइनस बी की तरह ट्रीट करें और नीचे वाले को a प्लस बी की तरह ट्रीट करें, तो हमारा जो फॉर्मेट बनेगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा बेटा, ठीक है, ये a माइनस बी और a प्लस बी। और भली भांति हम जानते हैं किसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है बेटा, ए किसको माना, इसको, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, गॉट इट और नॉट। और sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट हुआ, तो यानी कि इस पूरे की वैल्यू क्या निकल के आई, हमारी वन निकल के आ गई। तो हम कह सकते हैं भाई किसके बराबर आ गया हमारा, फाइनली ये वन के बराबर आ गया। और हम इसी इक्वेशन को अगर हम दोबारा उतारते हैं तो देखिएगा कि sec थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर था, m के बराबर, और निकालना क्या था, sec थीटा प्लस का tan थीटा निकालना था। और आप जानते हो कि अगर ये मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में गई तो हमारी वैल्यू आ चुकी, यानी कि आंसर क्या है हमारा, वन अपॉन में m। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, गॉट इट।